जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपको दुर्भाग्य को भाग्य में कैसे बदला जाए, कैसे अपने जीवन के रुके हुए कार्यों को पूरा किया जाए, क्यों हमारे साथ बार बार अड़चने आके खड़ी हो जाती हैं, क्यों कोई काम हमारा सरलता से पूर्ण नहीं हो पाता, क्यों ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं उसके विपरीत हमें फल मिलता है, क्यों ऐसा होता है कि हम जब भी खुश होने की कोशिश करते हैं दुख हमें आकर घेर लेता है, जब भी हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तब तब हमारे जीवन के अंदर और अड़चने और मुसीबतें आकर हमारी हर चीज़ को विफल कर देती हैं, क्यों ऐसा होता है कि हमारे जीवन से वही चीज़ हमसे दूर होने लगती है जिसकी मनोकामना या चाहत हम बहुत ईमानदारी से करने लगते हैं। आज आपको इन सब चीज़ों में से निकलने का बहुत अच्छा और सरल उपाय देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बढ़ चढ़ कर आपको परेशान कर रहा है तो आपको दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। आपको कभी भी किसी भी गरीब को अपने दर से खाली नहीं लौटाना चाहिए। अगर दुर्भाग्य आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो आपको कभी भी किसी मंदिर में जाकर कोई मनौती नहीं मांगनी चाहिए। बस प्रभु से ये कहना चाहिए कि आप साथ दीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब जब आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपको नंगे पैर ही हमेशा मंदिर जाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि मंदिर की चौखट पर जाकर हमने जूते चप्पल खोले और फिर हम अंदर चले गए। नहीं, आपको अपने घर से या आप कोई भी अगर तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो अपने घर की यात्रा चालू करने से पहले अपने जूते चप्पलों का त्याग कर दीजिए। आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे चमत्कार रूप से परिवर्तन आने लगता है। मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, मानो तो ईश्वर नहीं तो पत्थर। आपके मानने से बहुत सारी चीजें विश्वास के रूप में आशीर्वाद बनकर आपको प्राप्त होती हैं। आज ऐसी ही कुछ विशेष चीजें मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता देती हूं कि मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात जब हो रही है दुर्भाग्य की, दुर्भाग्य का सबसे बड़ा हमारी कुंडली में जो घर से संबंध होता है वो होता है 9th हाउस से। अगर वहाँ पर किसी भी ऐसे ग्रह का आधिपत्य है या किसी ग्रह की दृष्टि है जो हमारे लिए विपरीत है तो हमारा भाग्य हमेशा सोया रहेगा। हमारे भाग्य को जगाने के लिए हमें बहुत पुण्य और प्रयास करने पड़ेंगे। हमारे भाग्य से हमें बहुत लड़ाई करके चीज़ों को प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ईश्वर ने हमें कुछ सरल रास्ते दिए हैं अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए। कुछ सरल रास्ते दिए हैं अपनी चीज़ों को अपने मन से पूर्ण करने के लिए। सबसे पहला सरल उपाय, शनिवार के दिन आपको आटे और पुराने गुड़ से, जितना पुराना गुड़ हो, 2 साल 5 साल उतने पुराने गुड़ से आपको 7 पुए बनाने हैं और किसी मंदिर में आपको इसे चढ़ा देना है। ये पुए आप सरसों के तेल में तलेंगे और उसके बाद आप मंदिर में चढ़ाएंगे। दूसरा सरल उपाय, आपको अपने सिर पर से 31 बार दूध को वार कर काले कुत्ते को पिला देना है। ये कार्य आपको शनिवार करना है और कितने शनिवार करना है, 7 शनिवार करना है। जब आप ये कार्य करने जाएंगे तब आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि कुछ तो है जो मेरे सर से हट रहा है, वो भारीपन मेरे अंदर से कहीं ना कहीं कम हो रहा है, कुछ तो है जो मुझे बहुत अंदर से शांति दे रहा है। करके देखिएगा, है तो सरल सा लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है। बनते बनते अगर आपके कार्य रुक रहे हैं तो 31 बार अपने सर से एक रोटी वार कर काले कुत्ते को शनिवार को खिलाना चालू कर दीजिए।
अगर आपके घर में हमेशा स्थितियां बहुत बुरी बनी रहती हैं और आप कितना भी प्रयास कर लें, आपके जीवन से दुर्भाग्य नहीं जा रहा है, तो चार शनिवार आपको ये कार्य करना है। चार उड़द के बड़े बनाकर आपको एक प्लेट में या एक थर्मोकोल की प्लेट में रख लेने हैं, डिस्पोजेबल में। उसके ऊपर आपको दही डाल देना है और इसे ले जाकर आपको भैरव बाबा को चढ़ा देना है। ये कार्य भी आपको शनिवार को ही करना है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का इससे सरल उपाय नहीं हो सकता। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा विश्वास दिखाएंगे, थोड़ा सा ईश्वर का हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, पुण्य को पकड़ेंगे, तो आपका दुर्भाग्य जरूर सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन के सारे कष्ट जरूर खत्म हो जाएंगे। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बनी है तो आपकी भी जरूर बनेगी। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।